वो महिला आयोग में ना जाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में चले जाती हैं, उस पर किसी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है? जी, मैं तो ये कहती हूँ कि महिलाओं के संबंधित लॉज जो हैं सब सेम होने चाहिए, हम क्योंकि हमारी तकलीफें सेम हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हों, चाहे सिख हों, जैन हों, ईसाई हों, मुस्लिम हों, हिंदू हों, हमारी प्रॉब्लम सेम है, तो लॉ क्यों अलग अलग है? और ये मैंने बात सरकार को भी कही है और हम बार बार ये चर्चा में लेके आ रहे हैं कि ये सारे लॉज सेम होने चाहिए, एक अलग से नहीं, क्योंकि क्रिश्चियंस, बौद्ध, जैन सब वही एक लॉ मानते हैं, हम हिंदू, फिर मुस्लिम लॉ के लिए अलग क्यों? क्या उनकी महिलाओं को वो तकलीफें नहीं है जो हमें हैं? तो ये लॉ सेम होंगे तो हम उन तक हेल्प कर पाएंगे। संशोधन की आवश्यकता है, ये सरकार भी सोच रही है और हम भी रिकमेंड कर रहे हैं। वो जज्बा था कि वो सब परेशानियां, वो जो कष्ट आए उनके जिंदगी में, वो लड़ पाई। हमारे देश में संविधान है, आपको मालूम है, हमारा देश जब आजाद हुआ और संविधान बना तो जो राइट थे, जिन अधिकार 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 जो थे, वो दोनों को, महिलाओं को भी और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए। लेकिन आज भी हम इतने सालों बाद ये क्यों देखते हैं कि महिलाएं पीछे हैं? क्यों देख पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में जो जगह मिलनी चाहिए थी महिलाओं को, वो नहीं मिली। आज पहली बार मैं देख रही हूँ कि किसी कार्यक्रम में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। यदि इसी प्रकार के, पहली बार हमने महिला आयोग में ये एंटी ट्रैफिकिंग सेल खोला है, पहले नहीं था। और जैसे जो आप कह रहे हो, ये बहुत सारे इलाकों में, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ से बच्चियों की और महिलाओं की तस्करी होती और बढ़ रही है। और लॉकडाउन के बाद जब लोगों की पैसे कमाने की वो कम हुई, तो महिलाएं और बच्चियां बिकी बहुत, उस पर भी हमने ये एंटी ट्रैफिकिंग सेल बनाया। और हम देश भर में और यहाँ पर भी हम जल्दी कर जागरूकता अभियान एक करने जा रहे हैं जो ट्रैफिकिंग पे है। और ये ज़्यादातर आदिवासी महिलाएं हैं जो ट्रैफिक होके जाती हैं शहरों में, इस प्रॉमिस पे कि आपको काम मिलेगा, लेकिन वहाँ जाकर उनको काम नहीं मिलता और गलत चीज़ें होती हैं उनके साथ। इस पर हम ना केवल उनको बचाने का काम वहाँ पर, बल्कि हम यहाँ पर जो सोर्स कहते हैं, जहाँ से वो जाती हैं बच्चियाँ या महिलाएँ, वहाँ ऐसा ना हो, वहाँ के लिए जागरूकता अभियान करना चाह रहे हैं और यहाँ पर भी जल्दी पहुँचेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।